अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद दुनिया में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक साथ कई खबरों को लेकर तबसरा करते हैं। सबसे पहले नूपुर शर्मा का जिक्र करते हैं जिसने शान रिसालत में गुस्ताखी की थी, लिहाजा जैसे उम्मीद की जा रही थी वैसे ही नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार करने से राहत अता की है। जाहिर है पिछली मरतबा जब सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए उदयपुर कत्ल के लिए भी नूपुर शर्मा की टिप्पणी को जिम्मेदार ठहराया था, लिहाजा हजारों संघियों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही तहरीक छेड़ते हुए ट्विटर और दिगर सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल किया था। खैर इस पर और भी बात करेंगे। लिहाजा लुलू मॉल में नमाज पढ़ने वाले हिंदू भी पकड़े गए। वही आज लुलू मॉल का शुद्धिकरण करने अयोध्या के महंत परमहंस दास लुलू मॉल पहुंचे थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए ले गई है, रिहा भी की होगी इसे उम्मीद करते हैं। तीसरी एक और अहम खबर यह है कि चार असलाहा तस्कर यानी स्मगलरों को वाराणसी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। मीडिया वालों को यह बताते हुए बड़ा अफसोस भी हो रहा होगा कि चारों मुसलमान नहीं है। जाहिर है इनका कोई कनेक्शन पाकिस्तान से नहीं निकल सकता। आज एक साथ इतनी खबरें जिनका जिक्र सिलसिलेवार होना भी जरूरी है। नूपुर शर्मा जिसे लेकर अगली सुनवाई 10 तारीख को रखी गई है। अदालत ने इससे पहले नूपुर शर्मा पर अपनी राय पेश करते हुए कहा था कि यह बयान यानी कि नूपुर शर्मा जो बयान दे रही है यह बहुत ही मायूसकुन करने वाला है और इनसे तकबरी और घमंडी की बू आ रही है। इस तरह के बयान देने से उनका क्या मतलब है, यानी कि नूपुर शर्मा का क्या मतलब हो सकता है? इन बयानों की वजह से मुल्क में तशद्दुद की वारदातें पेश आ रही है। ये लोग मजहबी नहीं है क्योंकि ये लोग यानी नूपुर शर्मा दिगर मजाहिब की इज्जत नहीं करते। ये टिप्पणियां या तो सस्ती मकबूलियत बटोरने के लिए की गई है या किसी सियासी एजेंडे या नफरत सरगर्मियों के चलते की गई है। सभी जानते हैं कि नूपुर शर्मा की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में भारत को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, भारत को कलंकित होना पड़ा। कुछ हिंदुत्ववादियों ने तो नूपुर शर्मा के बयान की हिमायत भी की, लिहाजा मुल्क भर में मुकदमे दायर किए गए। तमाम मुकदमों की दिल्ली में सुनवाई हो इसके लिए नूपुर शर्मा ने अदालत का रुख किया था, जिस पर तल्ख टिप्पणी अदालत की जानिब से की गई थी। जहां मुस्लिम समाज अब तक अदालत के हर फैसले को सर तस्लीम खम करता आया है, वहीं फिरका परस्त सोच के लोगों का अदलिया को लेकर नजरिया भी सामने आया। अगर मुसलमानों के खिलाफ या हिंदुत्ववादियों के हक में फैसला आता है तो ठीक है, अगर कोई महज टिप्पणी भी फिरका परस्तों के खिलाफ दी जाती है तो इसे कबूल नहीं किया जाएगा। ऐसा इशारा हिंदुत्ववादियों ने सुप्रीम कोर्ट की उस नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर अपना रद्दअमल पेश किया। फेसबुक पोस्ट पर पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की मुखालफत करने पर मुकदमे दायर करने वाली पुलिस या इंतजामिया या हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चलाई तहरीक पर खामोश रहे, पर वही दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर आज भी सच बोलने की सजा भुगत रहे। तो वही दलाली करने वाले जी न्यूज के रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पुलिस को यह हिदायत दी कि रोहित रंजन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अब तो नूपुर शर्मा को अदालत ने भी गिरफ्तार न करने का फैसला सुनाया है। इससे इंसाफ की दिशा और दशा भी क्या है इस पर सोचने की जरूरत है और मुल्क इसे महसूस भी कर रहा होगा। एक के लिए कानून अलग तो वही दूसरे के लिए अलग, और यह तब से महसूस किया जा रहा है जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पसीर हुई। लुलू मॉल में नमाज और हनुमान चालीसा का तनाजा भी बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे कैसे कहानी लिखी जा रही है ये भी देख सकते हैं। नमाज पढ़ने वाले कोई और नहीं बल्कि जिन अपराधों को गिरफ्तार किया गया वो तमाम हिंदू निकले। जहां कोई दुनिया की बड़ी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं, वहीं लुलू के इस उपाली को यूपी में 2500 करोड़ से ज्यादा आलिशान मॉल खोलने की क्या सूझी समझ में नहीं है और यह समस्या बाहर नजर आ रहा है। खैर अब इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। नमाज पढ़ने वाले और हनुमान चालीसा पढ़ने वाले दोनों ही हिंदू है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने साफियों को बताते हुए कहा कि नमाज के जुर्म में हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक, गौरव गोस्वामी है। और अब नमाज की कहानी बनाकर शुद्धिकरण करने के लिए अयोध्या के महंत परमहंस दास लुलू मॉल लखनऊ पहुंचे। पुलिस ने गिरफ्तार तो किया है और शायद छोड़ भी दिया होगा क्योंकि इस तरह के नौटंकी बारह हमने देखी है। कहने का मतलब किस तरह रोजाना कुछ ना कुछ माहौल बनाने की साजिश जारी रहती है, अब तो इस देश के आवाम को आदत भी पड़ती जा रही है, तभी तो भाजपा जीतती रहती है। खैर इससे भी बड़ी खबर यह है कि हथियारों को बेचने वाला गिरोह पकड़ा गया। इन तमाम खबरों को बड़ी संजीदगी से लेने की जरूरत है। जब मुल्क में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, हर जगह पर हिंदू मुस्लिम तनाजा खड़ा करने की कोशिश तेजी से की जा रही है, हिंदुत्व तंजीमें सीधे नस्लकुशी, खून खराबा और हिंदू राष्ट्र की धमकी दे रहे हो, ऐसे में बार बार हथियारों की खेप पकड़ी जाना मुल्क अमन को खतरनाक साबित तो हो ही सकता है, लेकिन इसके पीछे की साजिश को भी समझने की जरूरत है। आज वाराणसी एटीएस की जानिब से जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो बक्सर के विवेक दुबे और राजकुमार, धनबाद के सुमित कुमार और मुगलसराय चंदौली के संजय सिंह निकले हैं। गिरफ्तार मुजरिमों ने खुद का बिहार में और भी गिरोह सरगर्म होने का इकरार भी किया है। जिनके पास विदेशी असलहा मिला हो
मैगजीन भी हासिल किए गए हो तो इनकी तहकीक जरूरी है। ये अलग बात है कि मीडिया इस पर ज्यादा बहस नहीं करेगी क्योंकि इस गिरोह में कोई मुसलमान नहीं है, लिहाजा मीडिया को डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी और नेपाली करेंसी गिरने की फिक्र इससे ज्यादा नजर आ रही है। तो इस पर तबसरे टीवी में जा रही है, जैसे भारत के रुपये ने डॉलर से ज्यादा बढ़त हासिल की हो। उधर टीवी एंकर दुनिया में कैसे आर्थिक मंदी आई है, दूसरे मुल्कों में भूखमरी की नौबत किस तरह से, इसका इल्म बांट रहे ताकि यहाँ के आवाम को फिर से समझाया जाए कि मोदी हुकूमत है इसलिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसे कहते हैं सच्ची दलाली, और मोदी मीडिया अपना जमीर बेचकर दलाली निभा रहा है। आज एक और डेटा बाहर आया है, वैसे 2021 का है, अब तक भारत से 1,63,000 भारतीय ने भारत की शहरियत को छोड़ दूसरे मुल्क में रहना पसंद किया। अब जाहिर है ये क्यों वहां चले गए होंगे, किस तरह का माहौल भारत में देखा जा रहा है, ये तमाम तर चीजें, और ये आंकड़ा बढ़ता भी जा रहा है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 8,00,000 लोग भारत से बाहर जाने की बात कर रहे हैं और कोशिश जारी है। खैर, भाजपा उन लोगों पर इल्जाम लगाकर अपना दामन झटकने की कोशिश करती है जो इस दुनिया में आएगी नहीं, गांधी नेहरू के बाद अब अहमद पटेल को निशाना बनाया जा रहा है। खैर, अब इंतजामिया कानून अदलिया सभी कड़कड़ में खड़े नजर आ रहे हैं, पर मोदी भाजपा हुकूमत किसी की कुछ परवाह नहीं करती। इसका यही मतलब निकल सकता है कि अदलिया से लेकर इंतजामिया तक इंसाफ का कत्ल हो रहा है, और यह आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जब संविधान खत्म हो जाता है तो देश को बचाना काफी मुश्किल भी हो जाता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बेलगाम शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिशें गुज़िश्ता कई सालों से जारी हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी बनने के बजाय शहर को स्मार्ट बनाने वाले अफसरान ही स्मार्ट होते जा रहे हैं। लोगों ने रिश्वत सताने के 12 इल्ज़ामात लगाए हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर उरूज पर है, अफसर आमिर बन रहे हैं, हिस्सा की फसल तेजी से उग रही है। बेलगाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के धर्मनाथ भून सर्किल को जोड़ने वाली सड़क को 2016 में अस्फाल्ट बनाकर तैयार किया है। ताहम चौंका देने वाली बात यह है कि बेलगाम स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इसी साल 47 करोड़ रुपए की लागत से इसी सड़क पर वाइट टॉपिंग का काम किया है, जो अभी तक चल रहा है। बेलगाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 69.51 लाख रुपए की लागत से कीली अस्पताल से शेख होम्योपैथी कॉलेज तक सड़क को इस्फाल्टाइज किया है। इसी तरह धर्मनाथ सर्किल से ईएसआई अस्पताल तक सड़क 53.81 लाख रुपए की लागत से और धर्मनाथ सर्किल से श्रीनगर गार्डन तक 57.55 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तीसरे मरहले में ये तरक्याती काम अप्रैल 2016 से जनवरी 2018 की मुद्दत में चीफ मिनिस्टर फंड से 100 करोड़ रुपए की रकम से किए गए। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि 2018 में बेलगाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तरक्की के नाम पर उन सड़कों को दोबारा वाइट टॉपिंग के तौर पर मुंतकिल कर दिया। मकामी इंतजामिया की मंजूरी के बाद बेलगाम स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने स्मार्ट रोड पैकेज 01 के नाम से कुछ इजाफी तरक्याती कामों को शामिल करते हुए इन सड़कों को तरक्की के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। धर्मनाथ भून रोड समेत मुतालिका सड़कों का तरक्याती काम अभी जारी है। लोग तवक्को करते हैं कि नई तैयार शदा सड़कें कम अज कम 4 से 5 साल तक अच्छी हालत में रहेंगी, लेकिन जब मुतालिका सड़कें तैयार हो चुकी हैं तो इंतजामिया ने चंद माह में दोबारा वही सड़कें तैयार करने का फैसला किया है। इससे अंदाजा होता है कि इंतजामिया मस्कूरा सड़कों के हवाले से जल्दबाजी में है, लेकिन इस सब को देखते हुए किया उन सड़कों का तरक्याती काम पिछले तरक्याती कामों के नाकिस मेयार की वजह से चंद माह में दोबारा नहीं होना चाहिए था। क्या इंतजामिया दोबारा तामीर शदा सड़क को गिराकर मुतालिका ठेकेदार की माली मदद नहीं कर रही? ऐसे सवालात मकीनों के जहनों में उठने लगे हैं। इंतजामिया जिस तरह से तरक्की याफ्ता सड़कों को रीडेवलप कर रही है, इससे साफ जाहिर है कि पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मस्कूरा सड़कें महज मिसालें हैं, और इसी तरह के वाकयात शहर में कई मकामात पर तरक्याती कामों के नाम पर हो रहे हैं। दरी असना, बेलगाम स्मार्ट सिटी लिमिटेड।
स्मार्ट सिटी के कामों का आगाज स्मार्ट सिटी फोरम और बोर्ड की जानिब से मैनेजिंग डायरेक्टर परवीन बागेवाड़ी के जरिया उन सड़कों के तरक्याती मंसूबा की मंजूरी के बाद ही किया गया। बताया गया है कि उन सड़कों पर साइकिल ट्रैक, यूजीडी, स्मार्ट लाइट्स वगैरह जैसे तरक्याती काम चलाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉ रदरीश गुली ने वजाहत की है कि मुतालिका सड़कों के पहले होने वाले तरक्याती कामों के बारे में हमारे पास कोई मालूमात नहीं है, लेकिन हम इसकी सदाकत की तस्दीक करने जा रहे हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।